चलिए अगला हेडिंग डालिए। हाँ त्रिकोणमितीय समीकरणों के हल, सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। देखिएगा क्या होता है भाई। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की जब सॉल्यूशन की बात करते हैं तो तीन चीजें पढ़ेंगे इसके अंदर अपन। एक तो होता है मुख्य मूल और एक होता है मुख्य हल और एक पढ़ेंगे व्यापक हल। ये तीन चीजें हैं। प्रिंसिपल रूट्स, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस और जनरल सॉल्यूशंस। ठीक है, ये तीन टॉपिक इसके अंदर पढ़ने वाले हैं अपन, इंपॉर्टेंट है। मुख्य मूल क्या होता है, मुख्य हल क्या होता है, व्यापक हल क्या होता है, इनको डिटेल में देखने से पहले एक बार थोड़ा ब्रीफली है समझ लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं जो अपने काम में आएगी। यहां पे बड़े पर्चियां, एक बोल रहा है हिमालय जा रहा हूं, जल्दी जाओ। इसने ये लिखा है बोले हिमालय जा रहा हूं और जीके की भी क्लास करवा दो, महीने भर की छुट्टी है। चलो आगे बढ़ो। अच्छा, मुख्य मूल और मुख्य हल और व्यापक हल में क्या फर्क होता है, इनको एक सिंपल से डायग्राम से समझते हैं या फिर कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिएगा भाई, जैसे मान लीजिए हम जो ये चार क्वाड्रेंट लेते हैं, हम जो चार क्वाड्रेंट लेते हैं उसमें सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मुख्य मूल की, तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपके पास में फंक्शन है, जैसे साइन थीटा हुआ, कोस थीटा हुआ, या कोई भी इक्वेशन हुई, जैसे उदाहरण के लिए अगर हम साइन थीटा भी ले लेते हैं, बताइए साइन थीटा का मान अगर मैं 1/2 लेता हूं तो साइन थीटा का मान 1/2 कितने डिग्री पे होता है, किस पे होता है, 30 पे, और 30 के अलावा और किस पे होता है, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बता रहे हो ना आप। तो अगर मैं बात करता हूँ थीटा का मान जो है साइन थीटा का मान 1/2 है, तो थीटा का मान जो आएगा वो कितना आएगा, थीटा का मान कितना आएगा, तो 5/6, या फिर ऐसे कर लेते 30 डिग्री हो गया, 180 माइनस 30 कितना हुआ, 150 हुआ, उसमें भी तो होगा, यानी कि एक तो हो गया पाई बाई सिक्स पे, एक हो गया पाई माइनस पाई बाई सिक्स पे, एक हो गया आपके पास में, ठीक है, 2 पाई प्लस पाई बाई सिक्स पे, एक हो गया आपके पास में 3 पाई प्लस पाई बाई सिक्स पे, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 3 पाई के बाद में, एक हो जाएगा 4 पाई प्लस पाई बाई सिक्स पे, ये माइनस आएगा, एक मिनट, ये माइनस आएगा 3 पाई माइनस पाई बाई सिक्स पे, एक आएगा 4 पाई प्लस पाई बाई सिक्स पे, एक उसके बाद में आएगा, बताइए 4 पाई के बाद में किस पे आएगा, 5 पाई माइनस, एंड सो ऑन, और आगे बढ़ते जाएंगे। तो क्या हम कह सकते हैं कि साइन थीटा का मान 1/2 जो है वो थीटा के अनंत मानों के लिए संभव है, अरे हाँ या ना, ठीक है। तो ये सारे जो मान आ रहे हैं ना, ये सारे मानों के अंदर मुख्य मान भी है, मुख्य मूल भी है, मुख्य हल भी है और व्यापक हल भी है। तो ये जो पूरा समुच्चय दिख रहा है इसमें तीनों चीजें आ गई। अब हमें कैसे पता लगेगा कौन सा मुख्य मूल है, कौन सा मुख्य हल है और कौन सा है व्यापक हल। ये जो सारा लिखा हुआ है इस सारे को बोलते हैं व्यापक हल, इसको क्या बोलते हैं, पूरे को व्यापक हल। और इसको हम हमेशा जो है, अगर आपने देखा हो 2n पाई प्लस इसके फॉर्मेट में लिखते हैं, हमेशा n के फॉर्मेट में लिखा जाता है। जो ये व्यापक हल होता है वो हमेशा किसके फॉर्मेट में होता है, n के फॉर्मेट में होता है। जैसे अगर आप साइन थीटा का मान अगर 0 बोलो
बताओ साइन थीटा का मान जीरो कितने पे होता है? पाई पे, फिर टू पाई पे, फिर थ्री पाई पे, फिर फोर पाई पे, इन पे सब पे होता है ना। तो साइन थीटा अगर जीरो है तो थीटा का मान कितना आया? एन पाई। एन का मान जहां कोई भी एक पूर्णांक संख्या हो सकती है। तो ये जो एन पाई लिख रहे हैं ये कौन सा हल है बताओ? व्यापक हल। तो व्यापक हल में हमेशा एन लगा हुआ दिखेगा आपको, या तो एन लगा हुआ दिखेगा या टू एन प्लस वन या टू एन माइनस वन, जो भी ये दिखेगा ठीक है। तो व्यापक हल में सारे सोल्यूशन आ जाते हैं। तो पहली चीज तो ये क्लियर हुई कि जितने भी संभव मान होते हैं वो सारे संभव मान क्या होते हैं बताओ? व्यापक हल। जनरल सॉल्यूशन आ गए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मुख्य हल की, तो जो मुख्य हल होते हैं ठीक है, ये मुख्य हल सदैव जीरो से लेकर टू पाई के बीच में ही होते हैं ठीक है। जीरो से लेकर टू पाई के बीच होते हैं, यानी कि केवल और केवल फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही होंगे, उससे ऊपर नहीं ले सकते। इनको मुख्य हल बोलते हैं अपन। ध्यान से देख लेना जो बोलना चाह रहा हूं। अभी देखो हमने 360 से ऊपर वाले कोण भी तो लिए ना ठीक है। तो अगर हम मुख्य हल की बात करते हैं तो मुख्य हल में केवल वही सॉल्यूशंस लिए जाते हैं जो जीरो से लेके 360 डिग्री के बीच में हो। तो उदाहरण के लिए अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास में ये वाला जो है ले सकते हैं हम, ये वाला हम ले सकते हैं। बताओ ये वाला, आगे वाले सारे मुख्य हल नहीं कहलाएंगे। तो मुख्य हल हमारे पास में शुरू के कितने हैं बताओ? तो किसी भी फंक्शन के लिए, किसी भी इक्वेशन के लिए मुख्य हल केवल और केवल कितने होंगे? दो ही होंगे। अब डिपेंड करता है कौन से क्वाड्रेंट में होंगे, वो इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए टेन थीटा का मान माइनस में दे रखा है ठीक है, और टेन थीटा का अगर मुख्य हल पूछ लिया जाए आपसे, तो आपको पहले ये सोचना पड़ेगा कि टेन थीटा का जो मान है वो नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, कौन कौन से में होता है? सेकेंड और, तो सेकेंड और फोर्थ में जो मान है वो मुख्य हल है आपके। आई चीज समझ में, इसमें कोई डाउट? अगर मैं कहूँ कि मान लीजिए कोस थीटा का मान आपको प्लस में दे रखा है, अब कोस थीटा का मान प्लस में दे रखा है और मुख्य हल पूछ लेगा, तो पहले आपको क्वाड्रेंट डिसाइड करना पड़ेगा कौन कौन से में, कौन कौन से में? फर्स्ट में और फोर्थ में। तो फर्स्ट और फोर्थ की जो वैल्यू है ना, दो मान आएंगे आपके पास में, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा एक फोर्थ क्वाड्रेंट में, वो कौन से हल है बताओ? मुख्य हल। यानी कि व्यापक हल में हम सारे सॉल्यूशन ले लेते हैं अनंत तक। तो अगर मैं पूछूं व्यापक हलों की संख्या कितनी होती है, तो आपका आंसर क्या आएगा? अनंत। अगर मैं पूछता हूँ मुख्य हलों की संख्या कितनी होगी, यही चीज क्लियर में। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट, जो आपके पास मुख्य मूल है, मुख्य मूल क्या होता है वो समझो आप। यहां तक तो क्लियर है, कोई डाउट किसी को? अभी डिटेल में पढ़ेंगे इनको। अब देखिएगा यहां पे अगर हम बात करते हैं कि ये जो आपके पास क्वाड्रेंट सिस्टम है, हम गिनती यहां जीरो डिग्री से स्टार्ट करते हैं ठीक है। हमने मुख्य मूल की बात करनी है, तो मुख्य मूल क्या होता है? यहां से जब हम एंगल नापना स्टार्ट करते हैं तो हर फंक्शन के लिए दो मान धनात्मक होंगे और दो मान क्या होंगे? ऋणात्मक होंगे। तो किसी भी एक फंक्शन की बात करें, फॉर एग्जांपल मैं साइन थीटा की बात करता हूं ठीक है। अब साइन थीटा के लिए या तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी या फिर क्या आएगी? नेगेटिव। तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए अगर आप बताइए, यहां से मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए, कम से कम न्यूनतम मान ट्रेवल, न्यूनतम कोण बनाते हुए अगर आप पॉजिटिव वैल्यू निकालोगे, तो क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही निकाल सकते हो ना आप? भाई साइन थीटा का मान कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है बताओ? फर्स्ट में और सेकंड में। पर अगर मैं कहूं कि जीरो डिग्री से स्टार्ट करते हुए न्यूनतम मान लेना है, कम से कम ट्रेवल करना है अपन को, तो क्या हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे? क्या नहीं जाएंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये तो हुआ पॉजिटिव के लिए। लेकिन अगर मैं कहूं कि साइन थीटा का मान आपको नेगेटिव दे रखा है और मुख्य मान, मुख्य मूल पूछा हुआ है, प्रिंसिपल रूट पूछा हुआ है, तब भी आपको जो है वो मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, तो आप बताइए नेगेटिव मान साइन थीटा कहां कहां होते हैं? अब आपको ट्रेवल जो है ना वो जीरो डिग्री से स्टार्ट करना है और कम से कम करना है, तो बताओ क्या हम थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे? क्या तो हम कौन से क्वाड्रेंट में रहेंगे? फोर्थ में रहेंगे। तो बताओ पॉजिटिव के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में और नेगेटिव के लिए कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अगर मैं ये कहता हूं कि साइन थीटा के जो मुख्य, साइन थीटा के जो मुख्य मूल होते हैं वो हमेशा इस रेंज के अंदर होते हैं, बताओ माइनस पाई बाई टू से लेके किस रेंज में होते हैं? ठीक है, यानी कि मुख्य मूल के दिमाग में आप तो एक चीज ध्यान रख लो कि मुख्य मूल जब भी पूछा जाएगा हम मिनिमम डिस्टेंस की बात करेंगे,
इसको एक शॉर्टकट की तरह मान लो, ये किताब में कहीं नहीं लिखा हुआ लेकिन अगर समझने के लिए देखोगे बहुत काम की चीज है। मुख्य मूल का मतलब क्या होगा? मिनिमम ट्रेवल, कम से कम ट्रेवल करना है अपन को, ठीक है। और अगर मैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कंसिडर करना चाहता हूं तो पॉजिटिव के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट कवर कर लूंगा और नेगेटिव के लिए फोर्थ क्वाड्रेंट कर लूंगा। कहां से स्टार्ट करते हैं? जीरो डिग्री से। ये हो गया। अब बात करते हैं कोस थीटा की। बताओ कोस थीटा के भी दो मान हो सकते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। उठा दो इनको, उठा दो, उठ जाओ। हाँ, आपसे बोल रहा हूं, नींद आ रही थी ना, इतना बुरा पढ़ा रहा हूं क्या? ठीक है चलो चाय मंगवाई क्या? चलो कॉस थीटा की बात करते हैं। तो कॉस थीटा के दो मान होंगे, एक पॉजिटिव और एक। अब अगर हम बात करते हैं पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होगा बताओ? फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट। और आप देखो अगर हम बात करते हैं इसके लिए, देखिए पॉजिटिव के लिए अगर हम बात करते हैं कॉस थीटा की आएगी बताओ किस किस में? फर्स्ट में और फोर्थ में। तो फर्स्ट में और फोर्थ में। तो अगर मैं बात करता हूं कि मिनिमम ट्रेवल करना है तो हम इधर भी ट्रेवल कर सकते हैं इधर भी, लेकिन चूंकि हम जो है हमेशा प्रेफर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज को, इसलिए हम इसके लिए कौन सा लेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट। पॉजिटिव के लिए बताओ? फर्स्ट क्वाड्रेंट, फोर्थ कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं नेगेटिव की, बताओ नेगेटिव कहां कहां होते हैं इसके? सेकेंड और थर्ड। अब बताइए हमारे पास में जो है वो पॉजिटिव तो आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और नेगेटिव के लिए बताओ हम कौन से क्वाड्रेंट में चले जाएंगे? सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए। मिनिमम ट्रेवल यही होगा, और हालांकि ये भी हो सकता है लेकिन मैं फिर बोलूंगा कि हम हमेशा प्रेफर किसको करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। तो इसलिए हमारी जो कोस थीटा के लिए मुख्य मूल के मान होंगे वो किसके बीच में होंगे बताओ? अरे जीरो से लेके किसके बीच में होंगे? पाई के बीच में। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं टेन थीटा की। तीन की बात करेंगे, तीन की नहीं की तरह चलेगी बाकी की। बताइए टेन थीटा के लिए भी अगर हम बात करते हैं, बताइए टेन थीटा के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में की बात करेंगे तो पॉजिटिव क्वाड्रेंट के लिए तो कौन सा लेंगे? फर्स्ट। नेगेटिव क्वाड्रेंट कौन कौन से में होता है बताओ? सेकंड और, अब सेकंड और फोर्थ में बताओ नियरेस्ट कौन सा है? सॉरी सेकंड और फोर्थ, सेकंड और फोर्थ लेंगे बताओ। सेकंड और फोर्थ में से नियरेस्ट कौन सा है? अब कई लोग बोले सेकंड। अरे सेकंड के लिए आपको यहां से यहां ट्रेवल करके जाना पड़ेगा। देखो कौन सा ले लेंगे फिर यहां पे? फोर्थ क्वाड्रेंट लेंगे भाई। सेकंड के लिए तो आपको पहले पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट क्रॉस करना पड़ेगा फिर जाओगे ना सेकंड में, तो वहां तो 90 प्लस के फॉर्मेट में आएगा, या सीधा ही किसके आएगा आपके पास में? थीटा के फॉर्मेट में आ जाएगा। तो इसके लिए हम बात करते हैं टेन थीटा के लिए जो मुख्य मूल होते हैं वो किस रेंज में होते हैं? माइनस पाई बाई टू से लेके प्लस पाई बाई टू के बीच। ठीक है, सेम टेन थीटा वाला कोट के केस में लगेगा, क्योंकि आपको पता है टेन और कोट एक ही क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, एक ही क्वाड्रेंट में क्या होते हैं? नेगेटिव। साइन कोसेक के लिए वैसा ही होता है, सेक कोसेक के लिए, सेक और कोस के लिए वैसा होता है। तो मुख्य मूल ये होते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं अब वन बाई वन की, देखो वापस पीछे आते हैं, तो कुल मिलाकर ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशंस तीन तरह के होंगे आपके पास में। पहला तो होगा मुख्य मूल। मुख्य मूल के लिए दिमाग में क्लियर रख लो कि मुख्य मूल जो है वो हमेशा मिनिमम ट्रेवल क्रॉस करने के बाद आएगा आपके पास में, अब वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। अच्छा, मुख्य मूल केवल एक ही आएगा, ध्यान रखना। मुख्य जैसे आपके पास मुख्य हल कितने आ रहे थे, व्यापक हल कितने आ रहे थे, लेकिन मुख्य मूल केवल एक ही आएगा। क्यों? क्योंकि हम पॉजिटिव में, देखो पॉजिटिव में हमने पॉजिटिव निकालने के लिए केवल एक ही क्वाड्रेंट ले लिया ना नियरेस्ट वाला। तो बताइए पॉजिटिव अगर साइन थीटा का मान एक बटा दो हो तो दो अलग अलग क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट में और, पर केवल हम कौन सा बताओ मुख्य मूल के लिए कौन सा क्वाड्रेंट ले रहे हैं? तो वैल्यू भी कितनी आएगी? एक आएगी। तो दोबारा बोल रहा हूं, अनंत हल कितने, व्यापक हल कितने होते हैं? अनंत। मुख्य हल कितने होते हैं और मुख्य मूल कितना होता है? एक। ठीक है, अब लिखना स्टार्ट करो इन पे। इसको उतारना है क्या? इसे समझने वाला ही है, उतारना चाहो तो उतार लो वहां पे फिर एक एक करके, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा नहीं है, एक एक करके लिखवाते चलेंगे अभी।
डालिया, नाम तो पहले लिख लिए थे ना, बड़े आगे। तो इसमें पहला मुख्य मूल हो गया, प्रिंसिपल रूट्स। अब प्रिंसिपल रूट्स में यहां लिख लो साइन थीटा लिख लो, चाहे साइन एक्स लिख लो और टेन एक्स लिख लो, टेन थीटा लिख लो। इनके लिए आपका जो रेंज होगा वो होगा माइनस पाई बाई टू से लेके और प्लस पाई बाई टू के बीच। ये याद भी रखना है क्योंकि सवाल इन्हीं से होंगे। साइन एक्स और टेन एक्स के लिए हो गया, और कोस एक्स के लिए मैंने लिखवाया अभी आपको। कोस एक्स के लिए क्या होता है बताओ, जीरो से लेके पाई के बीच। क्या चीज, कौन से वाले में? टेन के लिए, क्यों? अनंत मान हो जाएगा इसलिए नहीं, यही वाला आएगा। इनके बीच में बताना है ना। अच्छा वैसे बोल रहे हो क्या आप चाहते हो? अच्छा ये वाला ब्रैकेट लगाए अपन, भाई ये रेंज बता रहे हैं ना अपन। तो अगर आप ये बोल रहे हो कि सर पाई बाई टू, ये वाला लगाओ माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू के बीच में, ये तो समझने वाली चीज है भाई। अपन को इनके बीच का कोई कोण बताना है जब भी आप क्या आएगा। अब आप चाहो तो ऐसा लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये सिर्फ वही है, अंडरस्टैंडिंग की चीज है। आपको याद रखना है कि इनके बीच का मान बताना है। तो चाहे तो ये लगा लो और चाहो आपके पास में वो लगा लो जीरो, ये जो पहले लगा हुआ था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें यहाँ पे रेंज वाली बात नहीं कर रहे अपन, ये तो हम बता रहे हैं कि मुख्य मूल कहाँ से निकालने, किस क्वाड्रेंट में निकालने। जैसे उदाहरण से समझो, देखो जैसे इसने कहा कि साइन एक्स बराबर 1/2 दे रखा है और उसका कहा गया मुख्य मूल क्या होगा। अब आप बताइए साइन एक्स का मान 1/2 जो होता है वो कितने डिग्री पे होता है? 30 डिग्री पे होता है, पाई बाई 6 पे। पाई बाई 6 पे भी होता है और साथ में जो है अगर हम बात करते हैं और किस पे होता है बताओ, पाई माइनस, यानी कि 5 पाई बाई 6 भी होता है। पर चूंकि हमें पता है कि इसके लिए मुख्य मूल जो होते हैं, बताओ मुख्य मूल के लिए कहां से कहां तक होते हैं? माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू। तो अगर हम बात करते हैं कि भाई इनमें से कौन सा इस रेंज के अंदर फिट हो रहा है बताओ, तो चूंकि पाई बाई सिक्स जो है वो बिलोंग करता है माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू वाली रेंज को, तो मुख्य मूल पाई बाई सिक्स ही होगा। बस इतना करना है और कुछ नहीं करना है इसके अंदर। अभी हमने जो ये पाई बाई सिक्स और फाइव पाई बाई सिक्स लिखे थे, ये मुख्य मूल लिखे थे कि मुख्य हल लिखे थे? देखो नाम का ही फर्क है। ये जो मैंने पाई बाई सिक्स और फाइव पाई बाई सिक्स दोनों लिखे थे, ये क्या थे? मुख्य हल। मुख्य हल में से जो हमारी रेंज में फिट हो रहा है वो क्या हो जाता है? मुख्य मूल।
बढ़े आगे, अगला सवाल, साइन एक्स बराबर माइनस वन बाई टू। अब साइन एक्स का मान माइनस वन बाई टू है तो इसका मतलब ये हुआ, पता ये साइन एक्स का मान माइनस वन बाई टू कितने डिग्री, वन बाई टू कितने डिग्री होता है, 30 डिग्री पे होता है ना, तो पाई बाई सिक्स माइनस साइन पाई बाई सिक्स। अब बताइए साइन के लिए अगर हम बात करते हैं कि ये जो है आपके पास में दो है, पॉजिटिव वैल्यू तो आती है कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में, और नेगेटिव वैल्यू कौन से में आती है, फोर्थ में। तो फोर्थ बनाने के लिए इसको क्या लिख दें बताओ, साइन टू पाई माइनस, हाँ भाई सही है क्या भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का सिंपल नेगेटिव ही तो आता है भाई, साइन माइनस एक्स आपके पास में, लो ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो साइन माइनस पाई बाई सिक्स। अब तो ठीक है, अब कोई दिक्कत, ठीक है। अब बताइए हमारे पास में जो है ये साइन एक्स आ गया बराबर इसके आया, तो एक्स का मान कितना है बताओ, अब ये किस रेंज में आ रहा है बताओ, क्या ये इसको बिलोंग करता है क्या, माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू प्लस को बिलोंग करता है क्या, इसी रेंज में आ रहा है ना, तो यही हो गया आपके पास मुख्य मूल भाई। एक्चुअल में क्या है, अगर आप जो है इस क्वाड्रेंट में यू नापोगे तो कोण नेगेटिव लेना पड़ेगा आपको, और हमने पढ़ा था माइनस साइन एक्स बराबर किसके होता था, साइन माइनस एक्स, क्या लिखवाया भी था कि साइन माइनस एक्स किसके बराबर होता है, तो इसलिए अपन इसको भी तो ये लिख सकते हैं, वही गया है अपने वहां पे, ठीक है उतार लो उसको। बढ़े आगे, अगला सवाल ट्राई करूं, कोस एक्स बराबर वन बाई टू तो मुख्य मूल क्या होगा, पाई बाई थ्री सही है, और माइनस वन बाई टू के लिए भी निकालो, चलो कोस एक्स बराबर वन बाई टू हो तो भी, और कोस एक्स बराबर माइनस वन बाई टू हो तो भी निकालो, कितना आया सही है भाई। देखो कोस एक्स बराबर वन बाई टू के लिए बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में ये रख के चलो कि हमारे पास में जो रेंज है वो जीरो से लेके किसके बीच में बताओ, पाई के बीच में, तो पॉजिटिव के लिए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट लेंगे, तो एक्स का मान देखो कोस एक्स बराबर जो है कोस पाई बाई और थ्री, तो यहां से तो एक्स का मान पाई बाई थ्री आ गया जो कि बिलोंग भी करता है इस रेंज को, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि अगर मान लो कोस एक्स बराबर माइनस वन बाई टू, और माइनस वन बाई टू इसका मतलब है अपन बात करेंगे कौन से क्वाड्रेंट की, सेकंड क्वाड्रेंट की, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस एक्स को कैसे लिखते हैं बताओ, कोस पाई माइनस पाई बाई थ्री, तो ये आ गया कोस टू पाई बाई थ्री, और यहां जो एक्स का मान आ रहा है टू पाई बाई थ्री ये इस रेंज को सेटिस्फाई भी कर रहा है, तो ये तो हो गया आपके पास में लिए, ये मुख्य मूल हो गया माइनस वन बाई टू के लिए, और ये मुख्य मूल किसके लिए हो गया प्लस वन बाई टू के लिए, ठीक है। अब ये चीज तो क्लियर हो गई होगी कि मुख्य मूल का मान सदैव एक ही होगा, ठीक है।
पढ़ जाए आगे। हाँ हाँ जैसे मान लीजिए आप बोल रहे हो साइन एक्स बराबर वन के लिए पूछे मुख्य मूल, तो आप बताइए अगर हम बात करें कि साइन एक्स बराबर वन है और रेंज आपके पास में माइनस पाई बाई टू से लेके किसके होगे, तो बताइए साइन एक्स वन कितने पे होता है, कितने होता है पाई बाई टू पे, माइनस पाई बाई टू होगा क्या, आप बताओ। फिर भाई अगर हम बात करते हैं साइन एक्स बराबर वन होगा तो वन तो पाई बाई टू पे ही होगा ना, बस वही आएगा आपके पास मुख्य मूल, तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ना क्लोज ब्रैकेट लिखवाए थे, ओपन ब्रैकेट लिखवाए थे, फिर आप में से पूछा था भाई आपको समझ में आने चाहिए कि आपको क्वाड्रेंट कौन से लेने, और कुछ नहीं है इसका मतलब, अदरवाइज तो आप तीनों बड़े भयंकर कन्फ्यूज जाओगे। स्टार्टिंग में 15 मिनट मैंने इसलिए तो आपके लिए लगाया कि भाई मुख्य मूल में एक होता है, मुख्य हल आपके पास में दो होते हैं और व्यापक हल अनंत होते हैं आपके पास में। अब जैसे टेन एक्स बराबर माइनस का रूट थ्री है उसका मुख्य मूल निकालू, कितना आया भाई टेन एक्स बराबर माइनस का रूट थ्री है तो क्या हम लिख सकते हैं क्या भाई टेन एक्स बराबर, ठीक है अब रूट थ्री बताइए टेन का मान रूट थ्री कितनी डिग्री होता है 60 डिग्री पे, यानी कि पाई बाई थ्री के ऊपर हो गया। अब पाई बाई थ्री और वो हमें रेंज ये भी ध्यान रखना है हमारे दिमाग में क्या चल रही है बताओ, इसका मतलब हमें कौन से क्वाड्रेंट में लेना है बताओ, फोर्थ में नेगेटिव वाला कंसीडर करते हुए चलना है ना। तो यहाँ पे बताइए अगर मैं ये कहूँ माइनस का ये दे रखा है आपके पास में तो इसको एक काम करते हैं टेन माइनस का कितना लिखते हैं बताओ फाइव बाई थ्री, ये आएगा फिर टेन माइनस का थीटा माइनस टेन थीटा ही तो होगा, और अगर ऐसे नहीं समझना चाहो तो ऐसे लिख लो कि माइनस का टेन और रूट थ्री सही है रूट थ्री फाइव बाई सिक्स, ठीक है ये आ गया। और माइनस का टेन थीटा किसके बराबर होता है टेन माइनस थीटा के बराबर होता है, यहां से टेन एक्स का वैल्यू आ गया आपके पास में ये, तो एक्स का मान आया माइनस का पाई बाई थ्री जो कि सेटिस्फाई भी कर रहा है इस रेंज को माइनस पाई बाई टू से लेके प्लस पाई बाई टू के बीच में, इसीलिए आपके पास मुख्य मूल जो होगा वो यही होगा, प्रिंसिपल रूट ये वाला होगा। उम्मीद करता हूं अब तो क्लियर हो गया होगा प्रिंसिपल रूट का कॉन्सेप्ट, और रेंज याद रखना साइन और टेन के लिए तो सेम रेंज है माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में, जबकि कोस के लिए क्या रेंज है आपके पास में जीरो टू पाई के बीच। बढ़ जाए आगे, अब देखो यहां मुख्य हल की बात कर रहा है तो पहले मुख्य हल के बारे में कुछ चीजें लिख लो, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस जीरो से टू पाई के मध्य स्थित वह मान जो दिए गए त्रिकोण मितीय समीकरणों को संतुष्ट करे या करते हो मुख्य हल कहलाते हैं। इनकी संख्या सदैव दो होती है,
जीरो से टू पाई के बीच स्थित वह मान जो दिए गए त्रिकोणमितीय समीकरणों को संतुष्ट करते हो मुख्य हल कहलाते हैं। इसकी संख्या सदैव कितनी होती है? दो होती है, और उन्हीं दो में से एक मुख्य मूल होता है। अरे हाँ या ना, जो आपके मुख्य मूल होते हैं उन्हीं दो में से एक क्या होता है? मुख्य मूल, जो कि उस रेंज के अंदर आता हो जो अपन ने रेंज डिसाइड की। ठीक है, बढ़े आगे। इसका पहला क्वेश्चन, साइन एक्स का मान 1/2। बताइए अगर साइन एक्स बराबर जो है वो 1/2 हो तो साइन एक्स का मान 1/2, पहली बात तो पॉजिटिव है ना। अब पॉजिटिव जो है बताइए कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है? फर्स्ट में और, ठीक है, फर्स्ट में अगर हम बात करते हैं तो यहां पे साइन एक्स बराबर या तो होगा कितने बताओ, बताओ पाई बाई सिक्स पे, या तो पाई बाई सिक्स, पाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसे लिखेंगे और सेकंड क्वाड्रेंट में लिखने के लिए ऐसे लिखेंगे अपन पाई माइनस करके, क्योंकि पाई बाई टू प्लस करके करोगे तो फंक्शन ही चेंज हो जाएगा। तो इसलिए हमारे पास में या तो ये आएगा या फिर क्या आएगा बताओ, साइन पाई माइनस पाई बाई सिक्स। तो एक तो आया पाई बाई सिक्स और दूसरा क्या आएगा बताओ, पाई पाई बाई सिक्स। इनको क्या बोलते हैं बताओ? मुख्य हल। अगर मैं पूछता हूं बताओ इनमें से मुख्य मूल कौन सा है? पाई बाई सिक्स। कोई दिक्कत इसमें है? बता लो। बढ़े आगे, अगला अगला सवाल है, साइन एक्स का मान माइनस का रूट 3/2। अच्छा ये बताइए साइन का मान माइनस किस कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है? थर्ड में होता है। और अच्छा थर्ड में जाने के लिए पाई प्लस करना पड़ेगा और फोर्थ में आने के लिए टू पाई माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अब बताइए साइन का मान रूट 3/2 कितने डिग्री पे होता है? 60 डिग्री पे, यानी कि पाई बाई थ्री पे। तो अगर मैं ये कहूं कि साइन एक्स बराबर जो आएगा यहां पे आएगा या तो साइन, ठीक है, पाई बाई पाई प्लस पाई बाई थ्री, या फिर दूसरा क्या होगा तो टू पाई माइनस पाई बाई थ्री। तो एक तो आ गया हमारे पास में बताओ पाई प्लस पाई बाई थ्री यानी कि 4π/3, और दूसरा जाएगा हमारे पास में 2π माइनस का पाई बाई थ्री यानी कि 3 × 6 माइनस एक कितना हुआ 5π/3। ये दोनों ही जो है आपके पास में क्या होंगे? मुख्य हल। हाँ भाई इसमें बताओ मुख्य मूल क्या होगा? कोई सही नहीं है इनमें से मुख्य मूल। अरे मुख्य मूल जो है चूंकि नेगेटिव में आपको उल्टा मापना पड़ेगा ना, ठीक है, तो यहां मुख्य मूल इनमें से नहीं होगा। होगा तो इन्हीं में से कोई ना कोई, लेकिन लिखने का तरीका क्या होगा? क्लॉकवाइज लिखेंगे उसको। हाँ मुख्य मूल हमेशा जो है एंटी क्लॉकवाइज लिखे जाएंगे, मुख्य हल जो है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लिखे जाएंगे। क्योंकि इसमें ट्रेवल का दिक्कत नहीं है ना, इसमें तो नियरेस्ट का दिक्कत ही नहीं है, कैसे भी लिख दो आप राउंड ऑफ में, लेकिन वहां पे जब मुख्य मूल की बात करते हैं तो मिनिमम ट्रेवल की बात करते हैं वहां पे। बढ़े आगे। अच्छा मूल लिख देखे फिर हला, मुख्य मूल नहीं आएगा, मुख्य हला आएगा। बढ़े आगे, अगला करो ट्राई, टेन एक्स बराबर माइनस का रूट 3 का मुख्य हल क्या होगा?
हाँ भाई हो गया क्या? क्या क्या है? देखो टेन एक्स का मान जो है माइनस का कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है बताओ? सेकंड में और फोर्थ में। तो अगर सेकंड में लिखना है तो पाई माइनस करके लिखना पड़ेगा, और फोर्थ में लिखना है तो टू पाई माइनस करके लिखना पड़ेगा। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ से रूट थ्री का मान कितने पे होता है बताओ? पाई बाई थ्री पे, पाई बाई थ्री पे। तो एक बार तो एक काम करो, पाई माइनस पाई बाई थ्री लिख लो, और एक बार लिख लो टू पाई माइनस पाई बाई थ्री। यहाँ से तो आया टू पाई बाई थ्री, और यहाँ से कितना आएगा तो फाइव पाई बाई थ्री। ये दोनों आपके पास में क्या हो जाएंगे? मुख्य हल हो जाएंगे। बढ़े आगे। एक लास्ट ये और ट्राई कर लो, फिर आगे व्यापक हल देखते हैं। हाँ भाई क्या है? ठीक है भाई, देखिए कोस का मान जो है नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है उसे समझ में आ जाएगा। कौन से में होता है? एक तो सेकंड में, और एक तो सेकंड के लिए तो आपको पाई माइनस करना पड़ेगा, पाई माइनस पाई बाई सिक्स, सही है क्या? और इसके लिए आपको पाई प्लस करना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या आएगा? पाई प्लस पाई बाई सिक्स। यहाँ से तो आ गया आपके पास में फाइव पाई बाई सिक्स, और यहाँ से क्या आ गया तो सबका आगे हो गया। तो आई थिंक ये समझ में आ गया मुख्य हल क्या होते हैं। हम मुख्य मूल में और मुख्य हल में कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है ना? ठीक है। अच्छा ये बताइए फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए तो मुख्य मूल जो एक होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, उसी को हम मुख्य मूल भी बोल सकते हैं, मुख्य हल भी बोल सकते हैं, लेकिन बाकी के लिए चेक करना पड़ता है अपन को, है ना? नेक्स्ट, अगली बात करते हैं व्यापक हल की। वह सभी संभव मान जो दिए गए त्रिकोणमितीय समीकरण को संतुष्ट करते हों, व्यापक हल कहलाते हैं। इनकी संख्या अनंत होती है। जैसे समझिए,
मान लीजिए अगर मैं बात करता हूं, एक समीकरण ले लिया अपन ने सिंपल सा, और बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट करते हैं, साइन एक्स बराबर जीरो है। अब साइन एक्स बराबर जीरो है तो एक्स के कितने मान संभव है ये देखने पड़ेंगे। तो आप बताइए साइन का मान जीरो डिग्री कहाँ कहाँ पे होता है, साइन का मान जीरो कहाँ कहाँ पे होता है, जीरो पे और पाई पे और, तो अगर हम बात करते हैं ये आपने कहा जीरो पे, पाई पे, टू पाई पे, थ्री पाई पे, फोर पाई पे, ठीक है, माइनस पाई पे, माइनस टू पाई पे, सब पे होगा ना। तो बताइए ये सारे संभव मान है, तो इसमें अगर हम पाई का मल्टीपल देखें, पाई का गुणज देखो, तो बताओ जीरो एक दो तीन चार, जीरो माइनस एक माइनस दो माइनस, कुछ भी हो सकता है ना। तो क्या मैं इसका जो है वो अगर व्यापक हल लिखूं, तो इसका व्यापक हल जो लिखूंगा वो क्या लिखूंगा, एन पाई, जहां एन बिलोंग्स टू जेड, जेड का मतलब क्या होता है, पूर्णांक संख्या, जिसको इंटीजर ही बोलते हैं अपन, ठीक है। ये तो हुआ साइन एक्स का। अब अगर हम कोस एक्स की बात करते हैं तो कोस एक्स का मान बताइए जीरो डिग्री, कोस एक्स का मान जीरो कहां पे होता है, 90 पे, 270 पे, पाई बाई टू की मल्टीपल पे चलते ना, तो क्या पाई बाई टू के सारे मल्टीपल पे होता है क्या। एक बात बताइए अगर मैं पाई बाई टू को दो से गुणा कर दूं तो भी क्या जीरो आ जाएगा क्या इसका, नहीं आएगा ना। तो बताइए अगर मैं चार से गुणा कर दूं तो आ जाएगा क्या, छह से गुणा कर दूं तो इसका, अगर मैं पांच से गुणा कर दूं तो इसका मतलब एक सिंपल समझ में आ गई चीज कि भाई इसका जो पाई बाई टू का मल्टीपल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ऑड, विषम मल्टीपल होना चाहिए, विषम गुणज होना चाहिए। तो यहां पे लिख लेते हैं टू एन प्लस वन इंटू कितना, पाई बाई टू, जहां पे अगेन एन का मतलब वही जेड होगा, एन बिलोंग्स टू जेड। अब अगर हम बात करते हैं इससे आगे टेन एक्स बराबर जीरो की, बताइए टेन एक्स बराबर जीरो हो तो हमें पता है कि टेन एक्स का मतलब होता है साइन एक्स अपॉन कितना, कोस एक्स, ये बराबर जीरो के, तो साइन एक्स बराबर किसके हुआ, जीरो के। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओगे तो साइन एक्स बराबर जीरो ही तो आया, तो जो आपके पास में साइन का व्यापक हल होगा वही किसका होगा, तो टेन का व्यापक हल भी क्या होगा, एन पाई। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कोट एक्स की, बताओ कोट एक्स बराबर जीरो कब होगा, तो कोट एक्स का मतलब क्या होता है बताओ, कोस एक्स बटे, और कोस एक्स बटा साइन एक्स बराबर जो है वो किसके है, जीरो के। तो बताओ यहाँ पे कोस एक्स बराबर जीरो, तो जो कोस का आपके पास व्यापक हल होगा वही तो किसका होगा, तो यहाँ पे बताओ कितना आएगा, टू एन प्लस वन इंटू कितना आएगा, पाई बाई टू। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसी में सेक और कोसेक, तो अगर हम बात करते हैं सेक एक्स बराबर जीरो और कोस एक्स कोसेक एक्स बराबर किसके, जीरो के, बताइए इनका व्यापक हल कैसे निकालेंगे। कल टेबल पढ़ाई थी मैंने, तो साइन सेक और कोसेक के लिए रेंज बताई थी क्या, पढ़ी नहीं अपने घर जाके, क्या बताई थी रेंज बताओ, हाँ पलट लो पीछे, पलट लो आराम से। अरे सेक और कोसेक में कभी जीरो आता है क्या, नहीं आता, तो इनका कोई व्यापक हल संभव ही नहीं है, कोई व्यापक हल संभव नहीं है। ठीक है, इनके लिए कोई व्यापक हल संभव नहीं है, इसको उतारो फिर आगे बढ़ेंगे। बढ़े आगे,
चलिए आगे बात करते हैं इसमें। अभी तो अपन ने साइन एक्स टेन एक्स बराबर जीरो की बात की, अब मान लीजिए अगर हम इसी में बात करते हैं, मान लीजिए साइन एक्स का मान कोई ए दे रखा हो, अब साइन एक्स का मान कोई भी एक संख्या हो सकती है, वन बाई टू, रूट थ्री बाई टू, वन बाई रूट टू, कुछ भी हो सकता है। इसके लिए व्यापक हल बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, तो मान लेते हैं चूंकि ए का मान हमें पता नहीं है, तो माना ए जो है उसको मान लेते हैं साइन अल्फा, ठीक है, ए को क्या मान लेते हैं साइन अल्फा। भाई इसको इस तरह समझो कि अगर मान लो ए का मान वन बाई टू रहा होगा, अब वन बाई टू किसी एंगल पे तो होगा ना, वन बाई टू कितने पे होता है बताओ, तीस पे, यानी कि पाई बाई सिक्स पे, तो साइन पाई बाई सिक्स है ना, तो अल्फा का मान कितना हो गया पाई बाई सिक्स। आगे सॉल्व भी करेंगे तब बताऊंगा कि जो अल्फा रखते हैं ना ये मुख्य मूल रखते हैं, पर हमेशा मुख्य मूल पढ़े थे स्टार्टिंग में, तो ये अल्फा का जो मान रखते हैं वो हमेशा क्या होता है मुख्य मूल। पर फिलहाल के लिए तो आप इतना ध्यान रखो कि साइन एक्स बराबर ए के है और इसका व्यापक हल निकालना है, तो ए को अपन ने क्या मान लिया, तो यहां से आ गया हमारे पास में साइन एक्स बराबर किसके साइन अल्फा के। अब अगर हमें इसको सॉल्व करना चाहते हैं, व्यापक हल निकालना चाहते हैं, तो इसको इधर ले आओ, बताओ साइन एक्स माइनस का क्या हो गया बराबर किसके जीरो के, साइन सी माइनस साइन टी का फॉर्मूला पढ़ाया था कल, क्या होता है बताओ, टू साइन सी माइनस डी बाई टू कोस सी प्लस और बराबर किसके, बताओ जब ये दो उधर डिवाइड में जाएगा तो जीरो वैसे ही हो गया। अब हमारे पास में बच्चा आपके यहां से साइन एक्स माइनस अल्फा बाई टू और साथ में जो है मल्टीप्लाई में क्या है बताओ, अब जब भी दो संख्याओं का मल्टीपल बराबर जीरो के होता है तो एक बार इसको जीरो मान लेते हैं और एक बार इसको जीरो मान। मैडम 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 क्लास में आ जाओ ना, फिर क्लास चल रही है ना, देखो अब यहां पे साइन एक्स माइनस अल्फा बाई टू और कोस एक्स प्लस अल्फा बाई टू बराबर जीरो के है, तो अगर हम बात करते हैं एक्स माइनस अल्फा बाई टू, बताइए साइन एक्स माइनस अल्फा बाई टू बराबर जीरो और एक बार ले लेते हैं कोस एक्स प्लस अल्फा बाई टू बराबर किसके, अब बराबर जीरो वाला तो जस्ट अपन ने पहले पढ़ा ही, अभी पढ़ा है ना, बताओ साइन का क्या होता है, साइन बताइए साइन थीटा बराबर जीरो का व्यापक हल क्या होता है, तो इसका तो व्यापक हल हो गया एन पाई, तो एक्स माइनस अल्फा अपॉन टू बराबर किसके हो गया एन पाई, और कोस का क्या पढ़ा था बताओ, टू एन प्लस वन गुणा पाई बाई टू। यहां से अगर हम सॉल्व करना स्टार्ट करें तो टू से टू तो कट गया, यहां से अगर हम सॉल्व करना स्टार्ट करें तो एक्स माइनस अल्फा बताओ टू गुणा हो गया कितना हो गया, और अल्फा तो चला गया, तो यह आएगा टू एन पाई प्लस अल्फा, और यहां से अगर हम बात करते हैं बताइए टू एन प्लस वन, टू एन प्लस वन इंटू कितना हुआ पाई, और ये अल्फा हो गया तो ठीक है, ये एक्स के व्यापक हल हो गए। लेकिन अभी हमारे पास में बताइए जो इक्वेशन थी वो तो एक थी, इक्वेशन तो क्या थी एक थी, और व्यापक हल कितने आ रहे हैं, तो दोनों को भी मर्ज करना पड़ेगा, एक सिंगल बनाना पड़ेगा अपन को। तो बताइए यहां पे पहली बार बताइए ये जो अल्फा है ना, अल्फा का मल्टीपल दोनों जगह सेम करना है, तो यहां पे 2n पाई प्लस यहां माइनस वन की पावर 2n कर दो और अल्फा आ जाएगा। बताओ किसी भी माइनस वन के ऊपर अगर एक समघात लगी होती तो प्लस वन ही तो आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। वहीं पे अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यहां पे हमें चिन्ह किसके लेना है बताओ, अल्फा के चिन्ह किसका लेना है बताओ, माइनस का भी दिया हुआ है, तो अपन एक काम करते हैं इसको लिख लेते हैं प्लस माइनस वन की पावर टू एन माइनस वन और कितना आया बताओ, माइनस वन की पावर अगर जो है टू एन प्लस, अगर एक विषम घात कर दोगे तो विषम घात करने पर आपके पास में नेगेटिव साइन अपने आप ही आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखिएगा दोनों ही केस में ये वाला पार्ट तो सेम ही हो गया एक तरह से, बस सम विषम का ही तो फर्क है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहां पे जो पाई का मल्टीपल है वो एक सम संख्या है और यहां पे जो है पाई का मल्टीपल क्या है, एक विषम संख्या, और सम संख्या और विषम संख्याओं के समुच्चय को एक साथ कर दिया जाए तो आपके पास सारी पूर्णांक संख्या आ जाएगी ना, भाई सम विषम सब ले लिया अपन ने तो सारी पूर्णांक संख्या आ गई, तो कुल मिला के इनको जो है वो अपन ऐसे लिखते हैं एन पाई प्लस माइनस वन की पावर कितना एन इंटू कितना
ये जो आएगा आपके पास में व्यापक हल आएगा जहां n बिलोंग्स टू क्या आएगा बताओ, z, ये आपका व्यापक हल होगा। ये याद भी रखना है, आगे काम में आएगा कि x बराबर n पाई प्लस माइनस वन की पावर कितना आएगा, n इंटू अल्फा। अब अगर आप सम रख दोगे, n का मान एक सम संख्या रखोगे, तो आपके पास में ये वाले हल प्राप्त होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो कहीं से भी निकालो, दोनों सेटिस्फाई करेगा ये इस चीज को, क्योंकि यहां पे बताओ 2n किसको रिप्रेजेंट करता था, सम संख्या को। वहां ये 2n प्लस 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, इसमें सम विषम दोनों आ गए ना पूर्णांक में। तो ये आपके पास में साइन एक्स बराबर साइन एल्फा बोल दो, चाहे साइन एक्स बराबर ए बोल दो, इनका व्यापक हल है। सवाल कैसे आएंगे बताऊंगा आगे। बढ़े आगे, हाँ ये वाला इधर वाला, अच्छा पड़ोसी को बोलो बोलो रीट की कक्षाएं चलती है यहाँ पे। अरे 2 से 2 तो कट जाएगा यहाँ से, ऐसे महान लोग भी हैं कि हमारे पास में जो ऐसे काट रहे हो, ऐसे मत करो यार। तुम सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की क्लास में बैठे हुए हो और ऐसे कर रहे हो। रीट वाले बैच में पढ़ाते तो समझ में आता है कि हाँ भाई, उनको तो क्या होता है कि भाई पढ़ाना स्टार्ट करो और लगातार 3 क्वेश्चंस का आंसर अगर 5 लिख दिया ना आपने, तो वो लिख लेते हैं अपने आप ही, इस प्रकार के सभी सवालों का आंसर 5 प्राप्त, ठीक है। तो वो कर सकते हैं, समझ में आता है, लेकिन आप मत करा करो उनके तो अच्छे अच्छे कारण। एक बार मैं उत्कर्ष में पढ़ा रहा था तो 800 या 900 बच्चों का बैच था, यहाँ शकुंतला भवन में लगा करता था। तो मैं कोई क्वेश्चन देके और घूमने चला गया क्लास के अंदर ही, तो मैं एक के नोट्स चेक करने लग गया, तो नोट्स में कहीं जगह उसने ऐसी ड्राइंग बना रखी है, कहीं पे ऐसे, कहीं पे यूं, कहीं पे यूं। मैं ये क्यों कर रखा है, बोले सर आपने करवाया था बोर्ड पे। तो मैंने कहा इसका क्या मतलब है, बोले क्या पता सर आप आगे बोल दो कि फलाने पेज भी लिखवाया तो काम में आएगा। तो बोले ऐसे काम मत करा करो, चलो आगे बढ़ते हैं। कोस एक्स बराबर कोस अल्फा का व्यापक हल,
अभी साइन एक्स बराबर साइन अल्फा का लिखवाया है, तो अब कोस एक्स बराबर कोस अल्फा की बात करते हैं। देखिएगा अगर हम बात करते हैं इसको इधर ले आए तो कोस एक्स माइनस कोस अल्फा बराबर किसके होगा, जीरो के। कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, अरे टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन डी माइनस सी बाई टू, यही होता है ना बराबर। अब बताइए अगर मैं दो को उधर हटा दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं साइन एक्स प्लस अल्फा बाई टू और इसमें से माइनस को मैं लेके हटा दूं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसमें भी, भाई बराबर में जीरो है ना, तो इसको भी अपन लिख देते हैं एक्स माइनस अल्फा बाई टू बराबर जीरो। अब बताइए दो संख्याओं का मल्टीपल बराबर जीरो है तो एक बार इसको बराबर जीरो कर दो एक बार उसको बराबर जीरो कर दो, तो एक बार तो किया अपन ने साइन एक्स प्लस अल्फा बाई टू बराबर जीरो के, और एक बार किया अपन ने साइन एक्स माइनस अल्फा बाई टू बराबर जीरो के। अब आप बताइए साइन एक्स बराबर जीरो का व्यापक हल क्या लिखवाया था, क्या लिखवाया था एन पाई, तो एक बार एक काम करो एक्स प्लस अल्फा बाई टू बराबर एन पाई कर दो, और एक बार हम कर देते हैं एक्स माइनस अल्फा बाई टू बराबर किसके एन पाई के, यहां से x का मान आया 2n पाई माइनस अल्फा और यहां से x का मान आया 2n पाई प्लस अल्फा, और दोनों को अगर मर्ज करके लिखेंगे तो व्यापक हल जो आएगा हमारे पास में cos x बराबर cos अल्फा का वो आएगा x बराबर 2n पाई प्लस माइनस, एक साथ ही आ गया इसमें दोनों, ठीक है। तो sin x बराबर sin अल्फा का समझ में आ गया, cos x बराबर cos अल्फा का इस तरह से काम में आएगा, उतार दीजिएगा, बाकी नेक्स्ट टाइम देखेंगे इससे आगे।